द ग्रेट हिमालयाज, जो बहुत सारे मिस्ट्रीज से भरे हैं, जहां माउंट एवरेस्ट को दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक माना जाता है और उसकी ऊंचाई 8849 मीटर्स है। इतनी हाइट होने के बावजूद करीबन 6300 से भी ज़्यादा माउंटेन क्लाइंबर्स इसकी चढ़ाई कर चुके हैं और कई सारे माउंटेन क्लाइंबर्स तो ऐसे भी हैं जो एक बार से ज़्यादा माउंटेन एवरेस्ट चढ़ चुके हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें माउंट कैलाश की, जिसकी हाइट 6638 मीटर है, उसके बावजूद आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। कई सारे माउंटेन क्लाइंबर्स सालों से कोशिश करते आ रहे हैं कैलाश पर्वत पर चढ़ने की, लेकिन कुछ इस कोशिश को करते करते मौत के घाट उतर गए और कई सारे माउंटेन क्लाइंबर्स ने ये बयान दिया है कि जब भी वह कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्हें अंदर से एक आवाज़ आई थी कि इस पर्वत पर चढ़ना सही नहीं है और वो वापस लौट गए। दोस्तों, कैलाश पर्वत कई सारी मिस्ट्रीज से भरा है, लेकिन ऐसा क्यों, आइए बताते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रभु भक्ति पर और मैं हूं आपकी होस्ट वैशाली थानिक। तिब्बती कथाओं के अनुसार आज तक केवल एक ही इंसान है जो इस पर्वत की चोटी तक पहुंचा है और वो था एक मिलैरपा नाम का साधु। इस साधु ने बचपन से ही साधना करना शुरू कर दिया था और उसने अपनी सारी इंद्रियां खोल ली थी। उसकी सारी इंद्रियां जागरूक हो चुकी थी। इस साधु की आत्मा बेहद पवित्र मानी जाती है, जिसकी वजह से वह इस पर्वत पर चढ़ पाए। तिब्बत के लोगों का मानना है कि इस पर्वत पर केवल वो ही लोग चढ़ सकते हैं जिसने कभी कोई बुरा काम ना किया हो, जिन्होंने कभी भी कोई पाप ना किया हो और जिनकी आत्मा एकदम पवित्र हो और जो सांसारिक मोहमाया से ऊपर उठ चुके हों। वैसे ही थे ये मिलोरपा नाम के साधु। कैलाश पर्वत को बेहद पवित्र पर्वत माना जाता है और ये जगह ना ही केवल हिंदू धर्म में पवित्र मानी गई है, बल्कि बौद्ध धर्म, तिब्बती लोगों और अन्य धर्मों के लिए भी इस जगह का खास महत्व है। कैलाश पर्वत को महादेव का घर तो माना ही गया है, लेकिन महादेव के साथ साथ यहाँ कई सारी पवित्र आत्माएं अपने ह्यूमन फॉर्म में रहती हैं। कुछ ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत में एक पूरा शहर बसा हुआ है। इस शहर का उल्लेखन सदियों से कई प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। वहीं अलग अलग देश के लोग इस शहर को अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे कि भारत में इसे ज्ञानगंज या संभाला के नाम से जाना जाता है। वहीं संभाला का अर्थ होता है लैंड ऑफ पीस। वहीं चीन के लोग इसे शांग्रीला कहकर बुलाते हैं। रूसी लोग इसे बिलॉयड कहकर पुकारते हैं। भले ही इस शहर का कुछ भी नाम हो, लेकिन इस शहर का डिस्क्रिप्शन हर जगह सेम ही मिलता है। ग्रंथों के अनुसार यह एक ऐसा शहर है जहाँ के रहने वाले कभी भूखे नहीं होते, शांति से रहते हैं और उनके मन में कोई पाप नहीं होता। माना जाता है यहाँ के रहने वालों की उम्र 1000 साल से भी ज़्यादा है। लेकिन कोई इंसान इतने सालों तक कैसे जीवित रह सकता है, ये मानना तो थोड़ा इम्पॉसिबल है। लेकिन वहीं अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि हम इंसानों की बॉडी में एक उम्र के बाद सेल्स रीजनरेट होना बंद हो जाते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे एजिंग होना शुरू हो जाती है। लेकिन साइंस ये बात भी कहता है कि अगर किसी तरीके से इंसान की बॉडी में सेल्स रीजनरेट होते रहें और उस इंसान के सारे ऑर्गन्स ठीक तरीके से काम कर रहे हों, तो इंसान की उम्र 100 साल से भी ज़्यादा हो सकती है। और वहीं जब तक ये सेल्स रीजनरेट होते रहे, तब तक वो इंसान जी सकता है। अगर कोई इंसान अपने रहने के तरीके, खान पान में बदलाव करे और मेडिटेशन करे, तो इंसान की उम्र और भी बढ़ सकती है। और ठीक ऐसा ही करते हैं यहाँ के रहने वाले लोग। विष्णु पुराण में ये वर्णन किया गया है कि कलयुग का अंत करने के लिए भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार का जन्म इसी शहर में होगा और यहाँ रहने वाले लोग और साधु सदियों से कलि का वध करने के लिए इस महायुद्ध की तैयारी कर रहे हैं। जैसे जैसे कलयुग नज़दीक आएगा, वैसे वैसे सात चिरंजीवी भी इस शहर में पहुँच जाएंगे और कल्कि भगवान की सेना बनकर महायुद्ध में कलयुग को ख़त्म करने के लिए कल्कि भगवान की सहायता करेंगे।
और उसके बाद सतयुग की पुनः स्थापना होगी। संभाला के बारे में एक कालचक्र नाम का स्क्रिप्चर भी अवेलेबल है। इस स्क्रिप्चर में इस शहर के बारे में पूरी डिटेल में बताया गया है। ये स्क्रिप्चर एक बुद्ध स्क्रिप्चर है और इस स्क्रिप्चर में बुद्धिज्म की टीचिंग्स भी मिलती हैं। दरअसल एक शाकिमुनि नाम के बुद्धिस्ट ने इस काल चक्र का ज्ञान एक राजा के कहने पर दिया था। इस स्क्रिप्चर में संभाला को लेकर पूरी डिटेल में बताया गया है, लेकिन इस स्क्रिप्चर को सिर्फ वो ही पढ़ सकते हैं और वो ही समझ सकते हैं जिन्होंने दीक्षा प्राप्त की, नहीं तो इंसान तो कहीं भी पहुँच जाते हैं। कुछ ऐसा ही किया था एक एक्सप्लोरर ने जो इस दिव्य शहर की खोज में निकला था और उसने अपना पूरा जीवन इस शहर की खोज में बिता दिया। यहाँ तक कि कुछ नाजी ऑफिशियल्स ने भी इस शहर को ढूंढने के लिए एक तिब्बत एक्सपेडिशन सेटअप किया था जिसका पर्पस था संभाला के दिव्य शहर को खोज निकालना और वो आर्यन रेस को ढूंढना चाहते थे। नाजीज को पता था कि संभाला एक दिव्य शहर है जो धरती पर ही कहीं मौजूद है। ये सिटी अंडरग्राउंड है जिसका रास्ता हिमालय के किसी गुफा से होकर निकलता है, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि यह दिव्य शहर बार बार अपनी लोकेशन को चेंज करता रहता है। निकोलास रोरिच एक रशियन आर्टिस्ट है, राइटर है और एक एक्सप्लोरर भी हैं, जिन्हें 2 बार नोबल पीस प्राइज मिल चुका है और ये आर्टिस्ट होने के साथ साथ इन्हें दुनिया के रहस्यों से पर्दा उठाने का भी बहुत शौक था। वहीं इन्होंने अपने जीवन का ज़्यादा से ज़्यादा समय संभाला के रहस्यों को सुलझाने में बिता दिया। ये दावा करते हैं कि इन्होंने संभाला के दिव्य शहर का रास्ता खोज निकाला है और ये वहाँ जा भी चुके हैं। इन्होंने करीबन 500 से ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई हैं जो ज़्यादातर संभाला को दर्शाती हैं कि संभाला का दिव्य शहर कैसा दिखता है और उन्होंने वहाँ क्या देखा। उन्होंने अपने इसी एडवेंचर पर 2 किताबें भी लिखी हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि उन किताबों में उन्होंने संभाला की एग्जैक्ट लोकेशन मेंशन नहीं की, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि संभाला की लोकेशन को एक सीक्रेट रखने की कोशिश की जा रही है ताकि आम इंसान आसानी से वहां ना पहुंच पाए और उसकी पवित्रता को भंग ना करे। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने दुनिया के सामने ये राज ज़रूर खोला कि संभाला का रास्ता सिर्फ हिमालय से होकर नहीं जाता बल्कि दुनिया के अलग अलग जगहों से इसका रास्ता निकलता है, जो एक्सप्लेन करता है कि अलग अलग देशों को संभाला की लोकेशन अलग अलग क्यों लगती है, क्योंकि यहाँ पहुँचने के कई सारे रास्ते हैं, जैसे कि एक रास्ता ल्हासा की प्राचीन मोनेस्ट्री से होकर जाता है। इस मोनेस्ट्री में दिव्य शक्ति वाले बुद्धिस्ट इस रास्ते की प्रोटेक्शन करते हैं और यहाँ तक किसी को भी पहुँचने नहीं देते। नॉर्मल इंसानों और दिव्य आत्माओं के बीच एक सीमा बनाई गई है, क्योंकि आप सभी इस बात से तो एग्री करेंगे कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे अच्छे लोग भी कम हो रहे हैं, नेकी की राह पर चलने वाले लोग कम हो रहे हैं और अपराधी बढ़ रहे हैं। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि पवित्र आत्माओं और अन्य लोगों के बीच एक सीमा बनी रहे। शायद इसलिए लाखों कोशिश करने के बावजूद कैलाश पर्वत पर स्थित इस शहर पर कोई भी नहीं पहुंच पाया है, और लाखों कोशिशों के बाद लोगों ने अपनी जानें ज़रूर गवाई, लेकिन इस शहर पर पहुंचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्माओं को ही मिल पाया है। तो दोस्तों, आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही। संभाला के इस शहर और कैलाश पर्वत के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रभु भक्ति से। धन्यवाद।